कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। इसी बीच खतरनाक कोविड 19 से लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, फिर भी इसका इलाज नहीं मिल पाया है। वहीं इसराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि देश के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार कर लिया है। रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने अपने एक बयान में कहा कि इसराइल के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 का टीका बना लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने कोरोना वायरस को खत्म करने के टीके के विकास का चरण पूरा कर लिया है। ये जानकारी द जेरूसलम पोस्ट ने दी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस खतरनाक वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी देश को इसमें सफलता हासिल नहीं हुई है। अगर इसराइल का यह दावा सच साबित होता है तो दुनिया भर के अरबों लोगों को इस वायरस के दंश से बचाया जा सकता है। इसराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली ने बताया कि ये एंटीबॉडी कोरोना वायरस पर हमला करता है और इसे शरीर में खत्म कर देता है। उन्होंने कहा कि संस्थान अब एंटीबॉडी के लिए पेटेंट प्राप्त करने और इसके व्यापक पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयारी कर रही है। इस मामले में अब इसराइल के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के साथ रक्षा मंत्रालय समन्वय करेगा। इसराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल के अंतर्गत आता है। रक्षा मंत्री ने इंस्टीट्यूट का दौरा किया और इसके बाद नतीजों को देखते हुए वैक्सीन के तैयार होने का ऐलान किया। रक्षा मंत्री के मुताबिक ये एंटीडोट वैक्सीन मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला कर वायरस को शरीर से अंदर ही खत्म कर देती है। पिछले महीने बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने बताया था कि उसने चूहे पर एंटीबॉडी आधारित वैक्सीन प्रोटोटाइप का परीक्षण शुरू कर दिया है। संस्थान उन लोगों से प्लाज्मा भी इकट्ठा कर रहा है जो कोरोना वायरस संक्रमण से उबर चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि ये शोध में मदद कर सकता है। बता दें कि इसराइल द्वारा दावा किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग वैक्सीन बना ट्रेंड करने लगा है। बता दें कि दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 2.5 लाख से ज़्यादा हो गई है और संक्रमितों की संख्या 36.5 लाख से भी ज़्यादा है, जबकि करीब 12 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 70,000 के करीब पहुंच गई है और 12,12,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। इस बीच इसराइल ने वैक्सीन बना लेने की खबर देकर एक राहत की सांस दी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।